राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आज सुबह सुबह से शुरुआत कर रही हूँ वीडियो की। अभी 6:28 हुए। रुको, बताओ मैं पहला काम क्या होता है मेरा। ये देखो मेरे चंगू मंगू, मेरे गग्गू पग्गू, पता नहीं इनका क्या क्या नाम रखा है मैंने। पर ना सच्ची में इतने समझदार है ना, इंसान भी नहीं होते ऐसे समझदार। सच्ची बोल रही हूँ, पता नहीं कौन इनको मानता नहीं। अब ये देखो आके है ना, चलो चलो बाहर चलो, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से आपको ना। बर्तन है इसमें इनका अंदर। चलो इसको पियो पहले, चलो आ आ आ आ आ आ जाओ। माऊ इनको ना, जब मैं मेरे साथ जाएंगे सुबह परे गुहानी, और सुबह ही और वहां से ना तेरा, रुको एक मिनट, ये ठीक नहीं है, इनका धोना पड़ता है ना ये बर्तन। इनका बर्तन मामा मा देना, आओ लेके आऊ, लेके आऊ आओ मा देना, आजो आज देवे। ये देखो आगे पीछे पीछे, ये देखो ये भरी गिलास, बड़ा गिलास है इनको, ये जाता है सुबह सुबह, और पता है 3-4 टाइम पीते हैं। चलो 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 चलो, आजो आजो, दूजा के गया मेरे चंगनू मंगनू, मेरे चंगू मंगू है वो। ये देखो अब यहाँ पे ना इसको पिए, पी बच्चे पी पी मु पी चंगू। ये देखो बड़े प्यारे हैं, और पता डरते बहुत हैं। और देखो इनको यहाँ पे ना ऐसा सुकून मिलता है ना, जानवर है और ये सब कुछ समझते हैं। इनको यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे को कोई डर नहीं है। मम्मा मम्मा कहाँ है वो मेरा बच्चू, पी 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 मेरा पूत। देखो इंसानों से ज़्यादा सच्चे में वफादार होते हैं ये। गग्गू ओ गग्गू बिल्कुल निश्चिंत होके पी रहे हैं, मतलब इनको पता है कि हमें कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। कैमरा कुछ अजीब जैसा आ रहा है, इसकी सेटिंग बिगड़ जाती है मेरे से। तो आज है शुक्रवार, शानू को पूछते हैं, उसका पेपर है, उसको याद भी होगा। शानू का आया, शानू कितने, शानू ओ शानू शानू पेपर है आज, कल आज नहीं कल से आज छुट्टी, आज कैसी छुट्टी? अच्छा अच्छा ठीक, थोड़ा आज छुट्टी है इनको, आज इनको छुट्टी है और SMC की मीटिंग है आज। तो पेरेंट्स मीटिंग जो होती है ना पेरेंट्स की, वो दरवाजा नहीं बनता। तो आज इनको छुट्टी है, मैं बनाऊंगी अभी दलिया ब्रेकफास्ट के लिए। दलिया चंगनू चंगनू मंगनू कटी मेरे व्यू में बच्चे प्यू। तो चलो मैं आपको गाना समझ देती हूँ, ये पूरा वाला। आप सभी लोग बोलते हो कि आप गाना नहीं गाते तो आपकी वीडियो में कुछ मिसिंग सा रहता है। तो ये मैंने उसका मैं थोड़ा सा आपको वो बताऊंगी, पहले मैं सुना लेती हूँ ना वो जो मैंने गाया। नैण तेरे माँ नैणा देवी, नैण तेरे माँ नैणा देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े, जोता जगदियां ज्वालामुखी। तो राजा अकबर जो हुआ करते थे ना, मुगल बादशाह थे वो ना मुगलों के, तो वो जो है माता को नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि क्या है माता, कुछ नहीं है। तो उसने बहुत सी परीक्षाएं ली थी माँ की, और जो है वो ज्वाला वहाँ पे जो माँ की ज्योत जगती थी ना, तो वो बोलते थे कि ये झूठी है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो उसके ऊपर एक वो बनाया गया है कि दिल्ली शहर ते अकबर आया, दिल्ली शहर ते अकबर आया, जोता ते तवा चढ़ाया माँ, जोता ते तवा चढ़ाया माँ, तवा फाड़ के निकली ज्वाला, अकबर मान कटाया था। तो दिल्ली से आया वो, और उसने ना जो जोत वहां पर जोत थी ना, वो उसके ऊपर ना तवा रख दिया, मतलब बहुत बड़ा लोहे का तवा, तवा टाइप कुछ ऐसा चीज रख दी भारी की ये जोत बुझ जाएगी और इसमें कोई शक्ति नहीं है, ये कोई शक्तिशाली चीज नहीं है, कोई ये ऐसी नहीं है माँ। तो तवा फाड़ के निकली ज्वाला,
वो तवा फाड़ दिया था लोहे का, तवा फाड़ के मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते, तवा फाड़ के निकली ज्वाला अकबर मान कटाए। उसके बाद वो माना था कि नहीं ये सच्ची में शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बे महारानी है यहाँ पे, सच्ची में तब भी वो माना था। अदरवाइज एक छोटी सी लॉ की क्या मजाल की वो तवा मतलब तवे को फाड़ दे, और आज भी वहां पे फिर उसने उसके बाद उसने मान लिया था। फिर वो माता रानी का बहुत बड़ा भक्त बन गया था। तो होर चढ़ांदे मैया फूल पतासे, होर चढ़ांदे मैया फूल पतासे, ध्यानु ने सीस चढ़ाया माँ, ध्यानु ने सीस चढ़ाया माँ, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े अकबर मान कटाया था। और फिर उसके बाद जो है जब वो मान गया माँ की शक्ति को, तो उसके बाद वो खुद आया था। नंगे नंगे पैरे मैया अकबर आया, नंगे नंगे पैरे मैया अकबर आया, जो सोने का छतर चढ़ाया माँ, सोने का छतर चढ़ाया माँ, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोतां जगदियां ज्वालामुखी। तो बाद में फिर वो मान गया था कि नहीं यहाँ पे माता रानी है। तो चलो अभी बनाते हैं दलिया, कैसा लगा आपको माँ का भजन मुझे बताना जरूर कमेंट करके। जय माता दी जरूर लिखना, और मुझे एक बात की खुशी होती है कि कितने लोग जब जय माता दी लिखते हैं ना, तो शायद ही किसी के कमेंट बॉक्स में इतना ज़्यादा जय माता दी होता है जितना हमारे आपके चैनल पे होता है। इस पे दोनों चैनल पे हमारे जय माता दी, बहुत खुशी होती है मन को, बहुत शांति मिलती है जब ये जय माता दी हम लिखते हैं मन से बोलते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है दिल को। ये देखो यहाँ पे ना ये बिल्लू, ये खेल रहे हैं देखो। डेंगू चिंकू आए ना, चिंकू इतना आनी है। हाय अन्नी, हेलो, जय माता दी। हाँ मीटिंग में तो जाना ही पड़ना। और ये देखो सुबह सुबह जच रहे हैं। चलो भाई बात करो, इससे भी करवा बात। चंगू इत कनार बैठा रहे से इसरे किधर है दोनों। दूजा गया था लड़ा करो, तो बेटी उन्हें लड़वा दे उसके कुत्ते साथ, कुत्ते साथ लड़ा करो। अवे लैला ये तो सही
बड़े प्यारे हैं, क्यूट ये ना। देखिए अब आगे बैठ रहे हैं, ये देखो हमारे चिंगड़ू मिंगड़ू बैठे हैं यहाँ। आपका क्या कहना है सचिन जी बिल्लुओं के बारे में? नहीं, फिर भी जानवरों को मैं आपसे पूछूंगी कि आप इन जानवरों को इतना प्यार क्यों करते हैं, बताइए कुछ सचिन जी, बताइए हमें। नहीं क्यूट नहीं है, और कोई रीजन है? क्यों और ये भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा होते हैं। और कहते हैं सुना है कहावते हैं कि बताए कुत्ते बिल्लियों ने ना पहले जो खाना नसीब हुआ था कुत्ते बिल्लियों को नसीब हुआ था, और उन्होंने ना इंसान को दे दिया कि तुम ना हमें भी दे दिया करना, मतलब रोटी का टुकड़ा है ना। और आजकल आदमी क्या करता है, इनको मारता है, पीटता है, ऐसे खुटिए भाई त्रिकिनी। तो चलो गाइज गाइज इस साइड हम धो रहे हैं कपड़े, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने अपने सीड्स को दे दिया पानी। क्या चलो, तो अभी मैं वीडियो को ऐड कर दूंगी। दलिया बनाने का जो प्रोग्राम था मैंने सोचा इसमें उसको ऐड करूंगी, पर इसमें नहीं ऐड करूंगी क्योंकि हमें अभी काम पे निकलना है। आज इनको दोनों को छुट्टी है, कल से इनके पेपर है। एक के तेरे कदी है नहीं मीटिंग जो होती है तो उसकी मैं भी मेंबर हूँ। तो आज जाएंगे स्कूल में, और इनके पूरे साल का तो कुछ नहीं होगा हिसाब किताब, क्योंकि साल तो गया ही, ऐसे ही चला गया। और पहले के टाइम में पता क्या होता था, मुझे याद है आज भी, कि पहले की जो माएँ होती थी ना, हमारी जो माएँ होती, हम माएँ नहीं, हम माएँ तो बहुत एक्स्ट्रा वो है, आधुनिक मतलब, लेकिन पहले की जो माएँ होती थी वो पता क्या करती थी, जब बच्चे पेपरों में जाते थे ना, पेपर देने जाते थे ना, दही खिलाती थी हमेशा हमें। और सभी माएँ शायद मुझे कॉमेंट करके आप लोग बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन आज के टाइम में वो पता नहीं क्या होता होगा, उस वो जो एक धारणा थी कि दही खिला के अगर बच्चों को भेजा जाए तो वो पास होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। और हाँ, उस दही जो माँ की जो एक आस्था होती थी ना, उसमें उनका बहुत सारा आशीर्वाद भी होता था, ढेर सारी शुभकामनाएं होती थी, आशीर्वाद होता था माँ का। और सच्ची में हम पास भी हो जाते थे, इतने होशियार नहीं थे पढ़ने में, लेकिन पर पास हो जाते थे। तो अब जो आजकल की जो माएँ, हम वो हर चीज़ को एक टेक्निकल तरीके से देखती हैं कि नहीं, अगर पढ़ेंगे तो पास होंगे, दही खाने से कुछ नहीं होता। और अब मेरी अम्मा अभी भी फ़ोन कर रही थी कल भी, पेपर कब है बच्चों के, उनको दही खिला देना। मैंने कहा ना चुप करो, दही खिला दूंगी, पढ़ अगर पढ़ा नहीं होगा तो दही थोड़ी नहीं करेगा पास। तो ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका जुड़ा होगा, इन चीज़ों का आपस में कोई ना कोई जुड़ाव तो होगा, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा शायद, मतलब, या मुझे आप लोग बताना। तो और बच्चों को हमेशा प्यार से भेजिए। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हमेशा ना, मान लो बच्चा पेपर देने जा रहा है, मैं भी करती थी लेकिन मतलब इतना नहीं, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बस तू ही आना चाहिए। मैं भी बोलती थी कि तू ही आना चाहिए फर्स्ट, ठीक है सही बात है, जब हम बच्चे को इतना ज़्यादा टाइम देते हैं कि तू सिर्फ पढ़ने के उसमें है तो पढ़, लेकिन अगर वो नहीं भी होती वो चीज़, फिर भी अपने बच्चों को मत डांटिए। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद देखने को मिलता है हमारे को बहुत सारे ऐसे सुसाइड केसेस होते हैं, प्लस टू की छात्राएं, टेंथ की छात्राएं ने ये किया वो ये लगा के, क्योंकि इतना प्रेशर होता है माँ बाप का कि उनको बस एक ही चीज़ दिखती है जीत 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 और सिर्फ जीत, वो भी अपनी अहम के लिए, कि हमारा वो हो कि हमें बोले लोग कि जो है इनकी बेटी जो है पूरे उसमें फर्स्ट आई या ये हुआ या वो हुआ। नहीं, उसको प्यार से बोलिए, और अपने बच्चों के जो इम्प्रूवमेंट होते हैं दिन प्रतिदिन बच्चे के, वो नोट करिए कि आज इसने क्या कुछ नया सीखा, या क्या कुछ इसने इसके अंदर कल से ज़्यादा क्या आज चेंज है बच्चे के अंदर। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये इधर मेरा ये वाला जो लड़का है मेरे से बड़ा हो गया देखो, तो ये बेचारा थोड़ा सा वो है, मतलब वो मैं नहीं बोलूँगी कि टॉप है या ये है कि ना, ठीक है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है। ये जो एज होती है ना 13-14 साल से लेके 18-19-20 साल तक जो एज होती है, इसमें थोड़ा सा बच्चे का ये रहता है कि इधर उधर
तो इनको एक प्यार से जो इनको हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, इनके सामने ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता नहीं तो फिर तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और दही भी खिलाना चाहिए। मैं दोनों तरीके से इस चीज़ को मानती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं है कि क्यों खिलाते थे, लेकिन हमें खिलाते थे। और हम क्या खिलाते हैं, हम तो सुबह सुबह बस एक ही खाना खा के चला गया, और हाँ बस पढ़ना। तो हमें भी बच्चों की गतिविधियों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कि उठ बैठ रहा है। यही उम्र होती है जब वो कहीं भी जा सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय माता दी, वंदे मातरम, जय हिंद।